सब्सक्राइब कर लीजिए डीआईवाई दिव्या चैनल को और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं। मैंने कुछ अपने और अपने बेटी के लिए शॉपिंग की है सर्दियों की, और मैं जो मोस्टली शॉपिंग होती है वो सरोजनी नगर मार्केट से करती हूँ। जैसे अगर कुछ थोड़ा बहुत लेना हो गया, लोकल मार्केट की शॉप्स हैं वहाँ से, और सामने विशाल है वहाँ से ले लेती हूँ। बट जो थोड़ा सा हैवी शॉपिंग होती है वो मैं सरोजनी नगर मार्केट से ही करती हूँ। मुझे वो बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, सामान, कपड़े सब मिल जाते हैं। तो मैं वहाँ से कुछ कपड़े लेकर के आई हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी मैं शेयर करूँ। जब मेरी शादी होकर के यहाँ पर आई थी, मैं फर्स्ट टाइम सरोजनी गई थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। मुझे लगा वाओ, इतने अफोर्डेबल प्राइस पे कपड़े मिल रहे हैं, सामान मिल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। क्योंकि लखनऊ में ऐसा कुछ था नहीं, वहाँ पर कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी देख करके कि इतने सस्ते सस्ते कपड़े मिल रहे हैं। तो मोस्टली मैं सरोजनी नगर मार्केट से ही अपनी शॉपिंग करती हूँ। तो ये मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या लाई हूँ वहाँ से। तो सबसे पहले मैंने कुछ अपने लिए टॉप लिए हैं, जो टॉप जो विंटर्स के लिए ही हैं। तो सबसे पहले मैंने एक्चुअली मैं जो टॉप पहनती हूँ, ज़्यादातर लॉन्ग टॉप पहनती हूँ, शॉर्ट टॉप नहीं पहनती हूँ। तो मैंने जितने भी टॉप्स लिए हैं वो सारे लेंथ वाइज लेंथ देख के लिए हैं, कि वो थोड़े से लॉन्ग हो, शॉर्ट ना रहें। मुझे लॉन्ग टॉप पहनना पसंद है, तो इस वजह से ये आप देख सकते हैं कि इसकी भी लेंथ अच्छी खासी है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा देखने में। इसका मुझे इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी, ब्लैक एंड वाइट कलर में मुझे। और सेकेंड टॉप है मेरा ये टॉप। ये एक्चुअली इसका बताऊं मैं, एक्चुअली मुझे लाइनिंग, मुझे जो ऐसे लाइनिंग वाले टॉप होते हैं मुझे बहुत पसंद है। जैसे ब्लैक एंड वाइट लाइनिंग हो गई, इसमें वाइट में ब्लू लाइनिंग है, तो मुझे इस टाइप की जो लाइनिंग वाले टॉप होते हैं मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे लेना था, तो इस वजह से मैंने ले लिया। और इसका ये जो ऊपर इसमें कपड़ा लगा हुआ है, ये तो वैसा ही है जैसे हम गर्मियों में टी शर्ट पहनते हैं, तो ये उस तरीके का है। अंदर ये कपड़ा लगा हुआ है, ये गर्म कपड़ा है। और तीसरा टॉप मैं दिखाऊं आपको, मैंने बहुत ज़्यादा टॉप नहीं खरीदे हैं, चार पांच ही टॉप खरीदे हैं। एक ये टॉप लिया है, ये थोड़ा सा शॉर्ट में है, ये लॉन्ग टॉप नहीं है, बट ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें भी इस टाइप की लाइनिंग थी। तो इस कलर का टॉप मेरे पास था भी नहीं पहले से, तो मैंने इसलिए इसको ले लिया। ये जो सारे टॉप टी शर्ट हैं, इनको हम केवल सर्दियों में ही डाल सकते हैं, ये गर्मियों वाले नहीं है। तो स्पेशली मैंने इन सारे टॉप को सर्दियों के लिए लिया है। मैं मोस्टली ध्यान करके लेती हूँ, कोई भी टॉप या टी शर्ट या कोई भी कपड़ा लूँ तो मैं सबसे पहले ध्यान में रखती हूँ कि वो मुझे पहनने में कंफर्टेबल हो, वो कहीं से कोई दिक्कत ना करे। मैंने एक ये टी शर्ट ली है, ये भी गर्म कपड़ा ही है, तो इसमें मुझे ठंडक नहीं लगने वाली है। और इसका ये जो प्रिंट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली इसमें दो कलर थे, एक ये कलर था, एक जो टाइगर का कलर होता है ना, तो उस टाइप का कलर था, तो मुझे ये कलर थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और उसके बाद मैंने लिया है एक ये श्रैग, ये लॉन्ग में है, और ये श्रैग भी सर्दियों के लिए है, क्योंकि गर्मियों वाले श्रैग भी गर्मियों वाले और सर्दियों वाले आते हैं। तो ये श्रैग भी मैंने लिया है, ये लॉन्ग श्रैग है, मैं आपको दिखाऊं, ये इस तरीके का है, और इसमें साइड से नीचे पॉकेट भी दी हुई है। मैंने चार टी शर्ट और एक श्रैग लिया है टोटल, और ये सब एक ही प्राइस है, इन सब का 100 रुपीज़ प्राइस है। ये सारे टी शर्ट और श्रैग भी मेरा 100 रुपीज़ का है, और ये जो चार टी शर्ट्स हैं ये भी 100 रुपीज़ की हैं। और एक ये मैंने वुलन, आप लेगिंग बोल लो, आप जैगिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो ये इस तरीके की मैंने वुलन लेगिंग ली। ये स्ट्रेचबल है, टोटली कंफर्टेबल है पहनने में, और इसमें जो अंदर कपड़ा लगा हुआ है ये सॉफ्ट कपड़ा है, तो पहनने में बहुत कंफर्टेबल रहेगा। मैं सबसे पहले यही सारी चीज़ें देख लेती हूँ कपड़े लेने से पहले, कि अगर ऊपर कपड़ा हल्का सा मतलब सॉफ्ट नहीं है, तो मैं सबसे पहले अंदर का कपड़ा देखती हूँ सॉफ्ट है, क्योंकि ऊपर तो नहीं लगने वाला है, जो मेन है स्किन में जो टच करेगा, तो वो कपड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, तो मैं उस तरीके के कपड़े परचेज करती हूँ। तो इसका कपड़ा अंदर से सॉफ्ट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और ये इस तरीके की है। और इसको भी हम ऑब्वियसली विंटर्स में ही पहन सकते हैं, ये भी विंटर्स के लिए मैंने ली है। और एक ये जैगिंग है,
एक्चुअली मुझे इस कलर की जैगिंग लेनी थी, मुझे बहुत दिन से मन था, मुझे डार्क ब्लू में जैगिंग लेने का बहुत दिनों से मन था और मैं जीन्स नहीं पहन पाती हूँ, उसका रीज़न मैं आपको किसी ब्लॉग में बता दूंगी। तो इस वजह से मैं सारा जो कुछ खरीदती हूँ मैं जैगिंग से खरीदती हूँ, तो जैसे मैंने ये परचेज़ की है। इसमें वैसे बेल्ट की जगह ये दी हुई है, बेल्ट की जगह दी हुई है, बट इसमें बेल्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काफ़ी लास्टिक होती है इसमें, तो इसमें बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप शो के लिए लगाना चाहते हो, शॉर्ट टॉप कोई डाल रहे हो तो आप लगा सकते हो, वैसे ये ऐसी पहनने वाली होती है। इसमें पीछे भी पॉकेट बनी हुई है, आगे भी आगे पॉकेट बनी है, पर आगे पॉकेट इन्होंने सिल दी है, वो पॉकेट नहीं है, आप देख सकते हैं। ये दोनों मुझे 400 की पड़ी, ये 200 की है और ये भी 200 की है। तो उसके बाद एक्चुअली मैंने इतनी हैवी जैकेट कभी नहीं ली है, तो मैंने एक ये हैवी जैकेट बोल लें या कोट बोल लें, आप इसको कुछ भी बोल लें, और इसमें ये सॉफ्ट से फर लगे हुए हैं। मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद था और उन्होंने मुझे वहाँ पर पहना करके दिखाया तो उनको अच्छा लगा बहुत, तो उन्होंने ले लिया। बट मुझे अभी भी डाउट है कि ये मेरे ऊपर पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं, क्योंकि मैंने इस टाइप का फर्स्ट टाइम ले रही हूँ, मैंने इस टाइप का कोई कोट वगैरह नहीं पहना हुआ है। तो बट हम लोग बाहर जाने वाले हैं हिल स्टेशन पे, तो उस पर्पज़ के लिए भी ले लिया, तो मैंने सोचा कि मैं इसको वहाँ पर पहन लूँगी। तो वो तो बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे थोड़ा सा मैंने डाउट में इसको ले लिया, और इसके पूरे में ऐसे फैदर बने हुए हैं। इसमें सेकंड चीज़ ये है, इसके ये जो फर हैं, इसके ये जो फैदर्स हैं, ये अटैचबल हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, बटन्स खोल करके ये सारे अलग भी हो जाएंगे और ये कोट एकदम सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा बटन्स दी हुई हैं, तो ये इस तरीके से ये पूरा इसका ये जो एक पल्ला है ये पूरा ही अलग हो जाएगा और ये कोट एकदम हल्का हो जाएगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा हैवी ठंडक पड़ रही हो, आप अटैच कर सकते हो इतना हाफ कोट, और अगर हल्की ठंड पड़ रही है तो आप इसको हटा दो तो ये बिल्कुल हल्का सा कोट बन जाएगा। तो ये केवल ऐसा कपड़ा है जो उसने 900 का बताया था और दिया 400 का, आफ्टर बार्गनिंग दिया उसने 400 का। और बाकी सारे जो मैंने ये जो टी शर्ट्स और जो जैगिंग वगैरह ली हैं वो सारी सेल में थी, वो 100 रुपीज़ की ही, वो सारे सेल से लिया है मैंने। जैगिंग्स है वो भी सेल से ली है 200 की, उनमें मुझे कोई बार्गनिंग नहीं करनी पड़ी, वो सारा सब कुछ सेल से लिया है। तो ये इतना हैवी कोट मुझे 400 का मिला है। उसके बाद मैंने अपने लिए जो लास्ट चीज़ ली है, ये है वो मैंने लिए हैं ये शूज़। मैंने काफ़ी दिन से इस टाइप के शूज़ नहीं पहने थे मैं, और ये मेरे हस्बैंड ने पसंद किए हैं। वो कोट और दोनों जैगिंग्स और ये शूज़, ये तीनों मेरी हस्बैंड के पसंद के हैं, और जो सारे टी शर्ट्स और श्रैग हैं वो मैंने मेरी अपनी पसंद के लिए हैं। तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया तो उन्होंने मुझे ले लिया, और ये भी मैंने सेल से लिया है तो इसमें कोई बार्गनिंग वगैरह नहीं की है। तो 350 की सेल थी तो मैंने वहाँ से लिया है, और भी काफ़ी सारे थे तो मैंने इस पैटर्न में ले लिया, और इसमें ये स्टार बना हुआ है और मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। और ये हल्की सी हील में है, फ्लैट वाले भी थे, फ्लैट वाले 200 के थे और हील वाले 350 के थे, तो मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे। मुझे लगा कि थोड़ी सी मेरी हाइट कम है तो उसके लिए ठीक रहेगा, मैं थोड़ा सा हील वाला ही ले लेती हूँ, तो फिर मैंने इसलिए ये शूज़ ले लिए। तो ये तो थी मेरी शॉपिंग थोड़ी सी, और उसके बाद मैंने अपनी बेटी की कुछ शॉपिंग की है, उसके लिए मैंने क्या लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने उसके लिए एक ये दो टी शर्ट ली हैं, एक ये फुल स्लीव्स की टी शर्ट ली है, ये हल्की सर्दियों के लिए भी है और साथ ही साथ इसको आप अंदर पहना करके ऊपर से जैकेट वगैरह भी डाल सकते हो। तो इस पर्पज से मैंने उसके लिए टी शर्ट ली, बहुत अच्छा कलर लगा इसका, बहुत अच्छा कपड़ा है। और एक ये टी शर्ट है, एक मैंने ये टी शर्ट ली है, तो ये दोनों ही टी शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। ये दोनों टी शर्ट मुझे 200 की मिली है, ये 100 रुपीज़ की है और ये भी 100 रुपीज़ की है। उसके बाद मैंने उसके लिए इस टाइप की ये ली है, और ये वूलन टी शर्ट तो ये मैंने उसके लिए ली है, एक ये है और एक ये है, तो मैंने ये दो उसके लिए ली है, और ये मुझे 90 रुपीज़ की मिली है, ये भी 90 रुपीज़ की है और ये भी 90 रुपीज़ की है। बाद मैंने उसके लिए एक ये क्यूट सी टी शर्ट ली है, और इसमें जो ये प्रिंट बना हुआ है, ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये कपड़ा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो मैंने उसके लिए ये ले ली। और इसको आप खाली अकेले ऐसे भी पहना सकते हो, अंदर एक कुछ पहना करके इसको ऊपर से ऐसे डाल सकते हो तो ये ऐसे भी अच्छी लगेगी। और ये मुझे मिली है 350 में, ये भी सेल की है तो ये 350 की मुझे मिली। मैंने इसके लिए एक ये डांगरी ली है,
और ये मुझे बहुत क्यूट सी लगी। मेरा इसके लिए बहुत दिनों से मन था कि मैं डांगरी लूँ, और ये मुझे 450 की मिली है और ये भी सेल में लगी हुई थी। पजामी टाइप की ली हुई है, ये भी गर्म पजामी है, एक ये इस तरीके की है। गर्म पजामी या गर्म लोवर आप कुछ भी बोल लो, तो ये इस तरीके की है, एक ये है और एक ये है। और ये मुझे सिर्फ 90 रुपीज़ का मिला है, और ये पजामी भी मुझे सिर्फ 90 रुपीज़ की मिली है। उसके बाद मैंने इसके लिए ये जीन्स ली है, ये भी बहुत क्यूट सी है, बहुत सॉफ्ट हो, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। एक मैंने ये ली है, ये मुझे 200 की मिली है। तो एक मैंने ये ली है और एक मैंने ये ली है। सामान पॉली बैग्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो इस वजह से मैंने एक ये बैग लिया। ये उसने मुझे 150 का बताया था और 70 रुपीज़ का बाद में दिया है। ये इस तरीके का है, इसमें आप बहुत सारा सामान रख सकते हो। तो अगर नेक्स्ट टाइम भी मैं शॉपिंग करने जाऊंगी तो इस बैग को लेकर के जाऊंगी। मेरे पास इस तरीके का कोई बैग नहीं था, तो इस वजह से भी मैंने ले लिया, और साथ ही साथ जो सारा ये शॉपिंग बैग्स थे वो सारे मैंने इसी में डाल लिए। एक्चुअली सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, और हम लोग गाड़ी से नहीं गए थे, हम लोग बाइक से गए थे, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब एसन गई थी गाड़ी से गई थी, तो मेरा थोड़ा सा जी घबरा गया था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी मार्केट जाके। तो मैं वही मेरे अंदर चीज़ बैठी हुई थी कि लग रहा था कि मैं इस बार भी अगर गाड़ी से मार्केट गई तो मेरी फिर से कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए, फिर से मेरा जी ना घबरा जाए और मैं कुछ शॉपिंग नहीं कर पाऊँगी। तो इस डर की वजह से मैं बाइक से गई थी, तो मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाई थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी ये सामान ज़्यादा हो गया था, तो मैं और सामान नहीं ले पाई। मैं हम लोग थक भी बहुत गए थे, तो अब हम लोग थोड़े दिन बाद जाएंगे नेक्स्ट शॉपिंग करने, तो वो भी मैं एसएन मार्केट ही जाऊँगी। तो आप लोगों को मेरी ये शॉपिंग, मेरे कपड़े कैसे लगे मुझसे ज़रूर शेयर करना। कोई मेरी शॉपिंग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी वीडियोज़ देखने के लिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। मम्मा बेटा नून जीन्स, हाँ नूनू जीन्स है, नन्नू, हाँ नन्नू की है, तो नहीं, हाँ गुनगुन की नहीं है मेरी बेटी, हाँ गुनगुन की नहीं है, नन्नू की। ठीक, अभी थोड़ी देर रुको, अभी मम्मा आ रही है।